आज इंटरनेशनल क्यूज फेवर नहीं कर रहे हैं मार्केट्स को, हाई लेवल्स पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से हो सकती है शुरुआती सत्र में, उसके बाद देखते हैं संभल पाते हैं कि नहीं। लेकिन अगले ट्रेड्स मैं आपको बताऊँ तो एक बिकवाली का खरीदारी का सौदा है, पर पहले आप ट्रेड बताएं कि कौन सा ट्रेड पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अच्छा, मैं अभी आपसे बात कर ही रहा था, फ्यूचर रिटेल एक स्टॉक है, मॉर्गन स्टैनली ने इसके ऊपर एक कवरेज अपनी जो ओवरव्यू रेटिंग है उसे बरकरार रखा है और जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है, 500 रुपये से बढ़ाकर 660 रुपये किया है। इनफैक्ट अगर आप मुझे याद है जब इन्होंने 500 रुपये का टारगेट प्राइस वाली रिपोर्ट बताई थी ना, उसमें इन्होंने एक बुल केस सिनेरियो बताया था जिसमें उनका कहना था कि 700 रुपये के ऊपर, अगर मुझे सही याद है तो शायद 730 रुपये का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया था और वहाँ से देखिए अच्छा खासा रन अप इस काउंटर में देखने को मिल चुका है। 400 रुपये के नीचे के लेवल्स उस समय इस काउंटर में देखने को मिले थे, करीब करीब 150 रुपये के आसपास का जो रन अप है ऑलरेडी इस काउंटर में देखने को मिल चुका है, यानी कि करीब 33-35% के आसपास के गेंस देखने को मिल चुके हैं। लेकिन इन लेवल्स के आसपास भी मॉर्गन स्टैनली का जिस तरह का कन्विक्शन है वो अभी भी ओवरवेट मेंटेन कर रहे हैं, अब वो टारगेट प्राइस 660 रुपये के बता रहे हैं, तो हो सकता है कि इस लेवल में यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिले। आज के लिए टारगेट प्राइस लेकर चले 560 रुपये का, 545 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल इसी पूरे स्पेस पर नजर रखे चलिए, अगर बाजार में गिरावट बढ़ती है तो बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक है जिसपे आप नजर रखे चल सकते हैं। देखिए कल जो बाजार में कमजोरी आई थी इसमें बैंक्स, खासतौर पे सरकारी बैंक्स, ये बाजार पे प्रेशर बना रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक है जिसमें कल आप देखिए करीब 3-3.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली थी, आज फिर से हो सकता है कि अगर बाजार में कमजोरी आती है तो बैंकिंग नीचे की ओर बाजार पे ज्यादा प्रेशर बनाता हुआ दिखेगा और खासतौर पे सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आज आप बेच के चलें, मुझे लगता है 148-147 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं, 153 रुपये के आसपास का इंटरडे में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। कनोरिया केमिकल होगा अगला शेयर जहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, सितंबर महीने के उच्चतम स्तर पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कल 5.5% के गेंस दिए, लेकिन अब फिर से अगर आज बाजार में हल्की सी भी रिकवरी आ गई ना तो इसकी वीकली क्लोजिंग और बेहतर हो सकती है। डिलीवरी वॉल्यूम्स बेहतर हैं, 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम लगभग 43% के आसपास के हैं, अब इसमें नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 96 का बैठेगा, स्टॉप लॉस आपको 90 का लगाना होगा और बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है केमिकल स्टॉक्स में, कनोरिया पे बेट लगाई जा सकती है। एक स्टॉक बिकवाली के लिए है वो है वोल्टास, हायर लेवल्स पे स्लिप कर रहा है, 3 हफ्ते खरीदारी थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है इस वीक और लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस जो बीते उसमें शेयर पर दबाव बना। आज के सत्र के लिए अगर आप बेच कर चलते हैं तो 527 ये इसका नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा, 539 कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस कैरी करना है। गेल अगला काउंटर होगा जिसमें आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए कई बार हमने इस स्टॉक की चर्चा करी है, रिकॉर्ड हाईज भी इसने पिछले कुछ दिनों में बनाए हैं, लेकिन कल देखिए इसमें मुनाफा वसूली साफ तौर पे देखने को मिली थी, कई दिनों की तेजी के बाद कल देखिए करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी इस काउंटर में देखने को मिली थी और आज चूंकि संकेत कमजोर है तो ऐसे स्टॉक जिनमें हाल फिलहाल बहुत बड़ा रन अप देखने को मिला है हो सकता है उन्हीं में ज्यादा प्रेशर भी देखने को मिले। HDFC की बात मैंने पहले करी थी, गेल एक और काउंटर इसमें हो सकता है कि आज बिकवाली का भार बढ़ता हुआ दिखे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लंबी अवधि के लिए या मीडियम टर्म के लिए अपने जो व्यू है उसे चेंज कर दीजिए, लेकिन इंटरडे में हो सकता है कि आज प्रेशर इस काउंटर में देखने को मिले, 400 रुपये तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, 410 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, जो डाउनसाइड हो सकता है कि 395 तक के भी देखने को मिले। इसके अलावा जेट एयरवेज ये एक स्टॉक है जिसमें अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन से लगातार कमजोरी का जो ट्रेंड है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें आज एक ओपेक की रजत अहम बैठक भी है और क्रूड के प्राइसेस अगर आप देखें इनफैक्ट WTI क्रूड को देखें $50 के ऊपर के लेवल्स अब वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और आज जो ओपेक की बैठक है वियना में उसमें अहम बात यह है कि जो प्रोडक्शन कट्स जिसका ओपेक ने अनाउंसमेंट किया था हो सकता है कि वो जो प्रोडक्शन कट्स हैं उनको और एक्सटेंड किया जाए, तो अगर क्रूड में इन लेवल्स पे और सस्टेन होती है रैली या तो फिर बढ़त आती है जिस तरह से पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी अगर आप देखें तो जो डिमांड की बात करी थी वो 2 साल में सबसे हाई थी क्योंकि वैसे भी यूरोप और US में विंटर सीजन की शुरुआत होने वाली है तो उससे क्रूड को बहुत ज़्यादा सहारा मिल रहा है और जो हावे एक तूफान आया था US में उसके बाद से जो पूरी रिफाइनरीज बंद हुई थी जो रिस्टोरेशन है वो पूरा हो चुका है, तो क्रूड में एक सस्टेन डिमांड देखने को मिल रही है, शायद यही कारण है कि आप देखिए इस काउंटर में बीते 5 दिन से लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो आज 526 का टारगेट लेकर इसमें बिकवाली करके चलें, 540 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। होटल और रिजॉर्ट जो कंपनियां हैं वहां पर अच्छी पकड़ बनी, देखिए खबर परसों की थी कि लेमन ट्री ने DRHP फाइल कर दिया है और उसका IPO जल्द आ जाएगा, लेकिन आप कल होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स देखिए बहुत स्मार्टली गेन कर रहे थे जिसमें महिंद्रा हॉलीडेज निचले स्तरों से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत एक्टिव है। यहां पर तो ये भी खबर है कि श्रीलंका और US में अपने कारोबार का विस्तार कर रही है कंपनी, कल 4% के आसपास के रिटर्न्स दे रहे थे लेकिन एक लोअर लेवल से खरीदारी है यानी कि बॉटम फिशिंग हुई है, अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 367 का रख सकते हैं स्टॉक पे और 354-355 की रेंज पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, कोई डिप आ गई तब भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आज वीकली क्लोजिंग बेहतर हो सकती है स्टॉक की।
एक बिकवाली वाला सौदा है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जिस पे हायर लेवल्स पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसमें आर्ली चार्ट्स पे बिकवाली थी कल के सत्र में, मौजूदा गिरावट में जो 1125 है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है, हो सकता है कि वहां तक अप्रोच करने का अटेम्प्ट ले। आज के लिए 1230 ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव के टारगेट है, 1230 का एक टारगेट रहेगा और 1290 का एक स्टॉप लॉस सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे लगाकर चल सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। चलिए तो नौ शेयर हमने आपको बता दिए हैं, कुल मिला के 18 शेयर आपको बता दिए गए हैं, लेकिन अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की। चलिए बतौर सुपरहिट शेयर मैंने शामिल किया है ट्राइजन टेक को अपने पोर्टफोलियो में, और यहां पर तेजी में समझ रहा हूं कि बनती हुई नजर आ सकती है। देखिए कुछ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाजार पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और यहां तो खबर यह है कि यूएन के ओआईसीटी डिपार्टमेंट से कंपनी को एक जो है कॉन्ट्रैक्ट यहां पर है उसको रिवाइज किया गया, उसको बढ़ाया गया है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। 30 जून 2018 तक ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है और आईटी स्टाफिंग सेवाओं के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया गया है यूएन की ओर से। पॉजिटिव खबर है जो ड्राइव कर सकती है ट्राइजन टेक को, कल भी ये एक्टिव था, आज 106 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद अपने टारगेट्स को भी रिवाइज करना पड़ेगा और स्टॉप लॉसेस को भी, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइए क्योंकि बाजार पे आज एक नीजर रिएक्शन शुरुआती सत्र में बन सकता है। कल के क्लोजिंग के हिसाब से ये स्टॉप लॉसेस दी जा रहे हैं, 99 का एक स्टॉप लॉस होगा और 106 का पहला टारगेट। देखिए आज अगर ट्रेड करना है किसी को पॉजिटिव साइड पे, खास तौर पे ट्रेडर्स को, तो शायद हो सकता है कि जो छोटे टिकट साइज वाले काउंटर्स है वही ज्यादा एक्शन में रहे, तो एक सेबको नाम की कंपनी है जो कि 10 रुपए के आसपास का टिकट साइज है, इसमें मुझे लगता है कि आज जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। देखिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की बात अगर आप करें तो हम लगातार मेंशन करते रहे कि जो त्योहारी मांग है उसका इजाफा साफ तौर पर इनके नंबर्स में देखने को मिलेगा, और सेबको अगर आप देखें जो कमर्शियल इंजीनियरिंग एंड बॉडी बिल्डिंग जो नाम है इसका, ये दरअसल टाटा मोटर्स जैसे जो सीवी प्लेयर्स यानी जो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स हैं उनके लिए बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं रजत कि ये रेलवेज के लिए भी कामकाज करती है, क्योंकि जो वैगन्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है, और उसके साथ साथ इनका डिफेंस में भी एक्सपोजर है। डिफेंस से अगर आप देखें तो हाल में ही आईटीआई को एक 7,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था, और उसके बाद देखिए 20% तक का जो मूव है उसमें देखने को मिला था। इनफैक्ट मैंने आपको सोमवार को ही बताया था कि एक आईटीआई को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिसकी पुष्टि हमने बुधवार को आते हुए देखी भी थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ ऑर्डर्स जो हैं, हो सकता है कि ऐसी और जो कंपनी जो कि डिफेंस से जुड़ी है उनके खेमे में भी साफ तौर पर आते हुए दिख सकते हैं, तो उसका भी फायदा हो सकता है कि इस कंपनी में आता हुआ दिखे। लेकिन जो ऑटो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, जो त्योहारी सीजन शुरू हुई है, और खासतौर पर टाटा मोटर्स के हवाले से जो कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से वो घरेलू कारोबार के टर्नराउंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो टाटा मोटर्स से इनकी आय का बड़ा हिस्सा आता है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के लिए साबित हो सकता है, जिसका रिफ्लेक्शन अगर आप देखें Q2 के नंबर्स में आता हुआ दिखेगा, और अगर ऐसा होता है कि वहां से अच्छा कंट्रीब्यूशन आया और इनके नंबर्स में अच्छा ग्रोथ देखने को मिली तो कंपनी शायद Q2 में टर्नराउंड भी होती हुई दिख सकती है, ऐसा होप मैं करके चल रहा हूँ। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि आज सेबको एक ऐसा काउंटर जो कि ट्रेडर्स के रडार पे होना चाहिए, 10 रुपये 90 पैसे का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 10 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए फटाफट से रीकैप देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पर रहने चाहिए, जहां पर खरीदारी या फिर बिकवाली करने की सलाह दी जाएगी। इनफैक्ट आज के सत्र में शुरुआत मैंने की है ACC के साथ, जहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं, 1720 का टारगेट रहेगा, 1760 का एक स्टॉप लॉस। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कैश में बेच सकते हैं, 233 का एक टारगेट रहेगा, 241 का स्टॉप लॉस। इंट्राडे में ही आपको अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना होगा। PTC फाइनेंशियल आज का टारगेट है 44, खरीद कर चलें, 42 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा कावेरी सीट पे नेगेटिव बेट लगा सकते हैं, बेचेंगे तो टारगेट रहेगा 546, स्टॉप लॉस 562। बतौर EPS शेयर A2Z इंफ्रा में डेट रीस्ट्रक्चरिंग की खबर है, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप दिया था, आज भी यहां पर तेजी बढ़ सकती है, 46 का टारगेट, 42 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। कनोरिया केमिकल पे आज खरीदारी करें, 96 का टारगेट रहेगा, 90 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। वोल्टास बेच कर चल सकते हैं आज 527 के टारगेट के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज में खरीदारी की सलाह, 367 का टारगेट, 354 का एक स्टॉप लॉस। सेंचुरी टेक्सटाइल हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बेचेंगे तो टारगेट रहेगा 1230, स्टॉप लॉस 1290। और ट्राइजन टेक, इनका एक ऑर्डर रिवाइज हुआ है यूएन की ओर से, आज का टारगेट है 106, स्टॉप लॉस 99। DLF पहला स्टॉक है जिस पे आप नजर रखें, बिकवाली आज हो सकती है, 180 रुपए का टारगेट प्राइस, 186 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन छोटे मझोले जो फार्मा स्टॉक्स है उसमें विविमेड लैब्स, इस पे नजर रखें, आज तेजी रही तो 148 का टारगेट प्राइस रहेगा, 140 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। MRF पे डॉइश बैंक की रिपोर्ट आई है, कवरेज इनिशिएट करी, 80,000 रुपए का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, आज तेजी रही तो 64,500 तक के जो लेवल्स है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बिकवाली में हो सकता है फाइनेंशियल स्टॉक्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, तो HDFC पे नजर रखें, आज 1755 रुपए का टारगेट प्राइस, 1805 रुपए का स्टॉप
आसपास रखें। और बतौर ईपीएस शेयर एनआईआईटी जितने भी आईटी और आईटी सर्विसेज प्ले हैं वो कल भी एक्टिव थे, आज भी हो सकता है कि रुपी की कमजोरी का फायदा मिले। 119 रुपए का टारगेट प्राइस, 107 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। फ्यूचर रिटेल पे मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट प्राइस और ऊपर बढ़ा दिया, आज तेजी रही तो 560 तक की चाल देखने को मिल सकती है, 545 का स्टॉप लॉस रखें। फाइनेंशियल्स में बैंक ऑफ इंडिया एक और काउंटर जिसमें बिकवाली बढ़ी तो आज नीचे की और 148 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गेल और जेट एयरवेज और दो बिकवाली के ट्रेड्स हैं, गेल में आज के लिए 400 रुपए, जेट एयरवेज में 526 रुपए का टारगेट रखें। सेप्को को बतौर मैंने सुपर हिट शामिल किया है, त्योहारी मांग का फायदा इस कंपनी में भी देखने को मिल सकता है। और टाटा मोटर्स में जो टर्न अराउंड की बातें हैं वो भी हो सकता है कि आज पॉजिटिव ट्रिगर का काम करे, 10 रुपए 90 पैसे का टारगेट प्राइस, 10 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस।